का सास ननद कर एक लाख मिला था ना पहले वाले तो मैं मतलब मैं लड़की देती तब ना मेरे को मिलता मैं नहीं दिए था आज वाले में एक लाख रुपया मिला है अभी तो हुए भी नहीं है एक लाख के आसपास खर्च आता एक लाख के आसपास एक लाख देना है पैसा दे दिया हो कितना दिया हो दो बच्चों के दो लाख दे दिया हो दो बच्चे का तो एक बच्चे का शादी करा दिया है वो कहाँ कराया मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ललित बस स्टैंड स्थित एक आश्रम में बुधवार को एक महिला बिचौलिया द्वारा एक नाबालिग की शादी 1 लाख रुपए लेकर जबरन कराई जा रही थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आनन फानन में मौके पर पहुंचकर छापेमारी की और शादी को रुकवा दिया। मौके से पुलिस ने बिचौलिया महिला उसके एक बेटी और लड़का पक्ष से दूल्हा उसके पिता और अन्य स्वजन सहित आधा दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया। लड़का राजस्थान के जयपुर का रहने वाला है जबकि लड़की बिहार के अरवल जिला की बताई जाती है। पुलिस इस मामले में देर शाम तक हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ में जुटी थी। मामले में पुलिस ने बताया कि अरवल जिले के एक गांव की 16 वर्षीय एक नाबालिग के दादा पचरुखी में किराए के मकान में रहते हैं। सिवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खुरमाबाद की एक महिला उसके घर पहुंच गई और बताया कि उसके दादा की तबीयत खराब है। इसके बाद लड़की अपने माँ के साथ सिवान आ गई। यहाँ उक्त महिला यानी बिचौलिए के द्वारा अपने दामाद जयपुर निवासी राम अवतार से लड़की और उसकी माँ को मिलवाया और उसके बाद महिला अपने दामाद के साथ लड़की और उसकी माँ पर जबरन जयपुर के एक लड़के से शादी का दबाव बनाने लगी। जब दोनों ने इनकार किया तो रुपए का लालच देने लगे। इसके बाद बुधवार को जबरन शहर के ललित बस स्टैंड के पास एक आश्रम में लाकर शादी करवाने लगे। ऐसे बीच किसी महिला ने घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंचकर शादी को रुकवाया गया। पुलिस द्वारा पूछताछ के क्रम में लड़की के पिता जयपुर के बिलंदपुर निवासी हीरालाल बताया कि मेरे बेटा मुकेश की शादी के लिए मैंने 1 लाख रुपया राम अवतार को दिया था। मेरे दो बेटी की शादी सिवान में ही होनी थी। 2 दिन पूर्व मेरे एक बेटे की शादी भी राम अवतार ने ही सिवान में कराई है और आज मेरे बेटे मुकेश की शादी होनी थी। 2 बेटे के लिए मैंने 2 लाख रुपए राम अवतार को दिए थे। इस संदर्भ में मुफस्सिल थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि कुछ लोगों को इस मामले में हिरासत में लेकर गहराई पूर्वक जांच की जा रही है। जांच के दौरान अगर दोषी पाए गए तो उनके विरुद्ध वरीय पुलिस अधिकारियों के दिशा निर्देश के आलोक में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगे उन्होंने इस संदर्भ में कुछ भी बताने से साफ साफ इनकार कर दिया। बिहार न्यूज प्लस से परवेज अख्तर की रिपोर्ट। तुमसे मेरा संपर्क बताई थी कि मेरा पास एक लड़की है तो हम बोले कि तब बुलवाओ तई बोली थी कि नहीं हम शादी कर देंगे बुलवाओ लड़का। अच्छा। हाँ वो लेडीज है जिससे आपको संपर्क हुआ? वो जो एक सफी की आमा थी आई दोनों आदमी मिलकर काम करती थी एक वो है जानकी है वो काम करती थी। घर कहाँ है? मेरा खुरमाबाद घर है। खुरमाबाद घर? हाँ। तो इसके पहले इस तरह का कितना शादी करा चुकी है? अरे अभी मेरा अपना लड़की के करी थी। ठीक है ये मेरा लड़की है किसी का करी थी तो बोल रहे हैं तो ये बोल रही थी कि मतलब कोई गरीब वरीब होगा तो बताना तो हम वो मतलब मुस्लिम है उनसे बोली थी कि कोई लड़की गरीब होगा तो बताना तो वो इसी के बताई थी लड़की का और शादी करा थी। हाँ तो इसका मतलब लड़की के नंदे है इसका मम्मी पापा कोई नहीं है तो अपने घर ही करवा रही थी। आज शादी जब हो रही थी तो प्रशासन क्यों रुकवा दी शादी? अब मेरे तो पता नहीं है कौन बुलवाया। अच्छा। अब हम लोग को पता लड़की नहीं की तो उम्र कम ना है तो अब हम थोड़े जानते हैं हम तो लड़की की माँ पुलिस को सूचना दी है। लड़की की माँ पुलिस को सूचना दी तब शादी करवा रही थी तो पहले लड़की की माँ से बातचीत नहीं हुआ था? हुआ लेकर गई थी अपना घर एथी लेकर गई थी पचरू की लेकर गई थी तीनों लेडीज के बोल रही कि चलो हम मतलब अपना लड़की के शादी करेंगे लेकर आओ तो ये अपना इया दादा के लग रही थी तो इनसे उनको दादा नहीं आने दे रहे तो ये रो रही थी तब उसका दादा लेकर यहाँ पर भेजेंगे बोल रही कि करवा दो हम भी जाएंगे मेरा लड़का भी साथ जाएगा इनका माँ बोली थी। तो पैसा भी दिया है लो 2 लाख रुपया तो अब एक शादी का 1 लाख रुपया लड़के का पिता बता रहे हैं। हाँ तो अभी तो मेरा मिलने अभी शादी नहीं हमें करवाई थी तो मेरा मिला भी नहीं। पैसा आप लोगों को मिला है? नहीं। कितना तय था आपसे? मेरे से तो मैं बीच में कहाँ थी एक जो शादी हुई है उसका आपको मिला है? इसमें तो मेरा मतलब लड़की थी लड़की के ननद थी उसका सास मतलब बेटी है ना
उसका सास अनंत कर एक लाख मिला था ना पहले वाले तो मैं मतलब मैं लड़की देती तब ना मेरे को मिलता मैं नहीं दिए था आज वाले में एक लाख रुपया मिला है अभी तो हुए भी नहीं है वो इसमें तीन आदमी है तो एक लाख रुपया में तीन आदमी है हाँ तभी हाथ में नहीं मिला पूछो लड़की वाला कितना मिलता अभी तो मैं अभी करवाई भी नहीं तो मेरा मिलेगा एक लाख रुपया में तीन आदमी था नहीं मतलब वो लड़की वाला मतलब देते है लोग लड़की वाला के नहीं मिला तो बुलाई है तो मतलब उनसे लड़का वाला से जो बीच रहता ना उनसे हम बात करवा देते हैं। अच्छा ये बात की जानकारी आपको कैसे होगी कि लड़का वाला मिलते हैं तो इतना देते हैं एक लाख देते हैं पैसा देते हैं अरे वो अपन सब सामान लाते हैं ठीक है सामान लेते हैं लॉज करते हैं या मतलब वीवो में करते हैं गाड़ी घोड़ा करते हैं कितने दिनों से ये सब धंधा कर रहे हैं लड़की को फंसा करके शादी करवाना पैसा लेना नहीं इस सब गलत बात ही हम नहीं लड़का वाले से बात हुआ तो उसको एड्रेस पता नहीं है कि कौन लड़की है क्या बस उसको बताया गया कि चलिए शादी करा रहे हैं ये तो खरीद परोक्त वाली बात है भाई थोड़े मतलब खरीदे कैसे लड़की बढ़िया से रहती है बता रहे हैं कि एक शादी का एक लाख रुपया दो शादी दो लाख नहीं तो मेरा हाथ अभी तक करवाए नहीं किया तो मिला है बात हुआ था ना मिला वो जो बीच वाला है उनसे बुलाओ उनसे दोनों लेडीज उनसे बुलाओ हम बात करा देते हैं जो लड़की दे रहा है उसी लेगा जो लड़की नहीं दे रहा है मेरे से बात नहीं हुआ किससे हुआ था कितना दोनों लेडीज कितना होता है कितना आप लोग लेती है पैसा अब वो कितना दे रहा है आप शादी करा दी कितना लेती है तो हम अभी आइले नहीं है दोनों लड़की में मैं नहीं है मैं लड़की देती तब ना अच्छा लड़की अगर देती आज शादी होती तो कितना पैसा आप लोग लेते मेरे को पता नहीं तो आपका क्या फायदा है कि आप शादी करा रहे थे अरे तो मेरा लड़की आई थी तो इसके साथ में मैं आई थी ऐसा थोड़ी है किसी में शामिल है शादी करा ये लेकर आई थी मतलब इसका हो गया तो ये अपना देवर को लेकर आई थी पटदारी में के लोग है ऐसा कोई गलत थोड़े बात है आपका नाम क्या है नाम क्या है आपका नाम हस्बैंड का कहाँ की है बोला ना बोलिए आदमी लेके आए थे हमारे अच्छा मैं एक मजदूर का काम करता हूँ क्या चीज़ का मजदूर का काम करता हूँ अच्छा शायद नहीं हो रही थी उसने बोला कि मैं ससुराल से अच्छा दिखा रहा हूँ कहाँ घर आपका जयपुर अच्छा तो क्या बोल करके लेकर के आया था बोला कि तेईस दिन में करवा दूँगा शादी करवा दूँगा अच्छा तो किससे शादी करवा रहा था कौन थे उसी को मालूम है जो लेकर गया था सर लेके गए तो उस आदमी का नाम क्या है जयपुर का रहने वाला है आपसे कैसे संपर्क हो गया पास में रहता है पास में है जयपुर में मतलब लड़कियां वो क्या करता है नहीं हां जयपुर ही रहता है वो और मैं भी जयपुर काम करता हूं अच्छा जो मीडिएटर है तो जयपुर में मतलब वो क्या करता है इतना पता नहीं सर कहां संपर्क हो गया था तुमसे उनके काम पैसा वगैरह भी दिए हैं क्या हमारा जो गांव है ना आपसे पैसा भी लिया पैसा कितने दिए हैं पैसा का पता नहीं सर पैसा दिया है पैसों का पता नहीं कितना पैसा बोला था वो ये मेरे पापा है मैं इनका बच्चा हूं क्या नाम है आपका तो फिर अभी क्या हुआ आप लोग शादी कर लिए रुकिए ना क्या हुआ अभी इस वक्त अभी क्या हुआ है अभी सब पुलिस आ गई थी पुलिस आ गई अच्छा उसके बाद हम यहाँ आ गए शादी हुआ है कि नहीं आ जाएंगे अभी तक शादी नहीं हुआ कहाँ पे शादी हो रहा था किस मंदिर में कहाँ पे बस स्टैंड में हो रहा था कितना साल आपका उम्र हुआ मेरा 26 और कैसे 26 और लड़की का उम्र कितना है उसका मेरे को नहीं पता नहीं पता जब लड़की तुम देखे हो कि बच्ची है तो तुम उससे शादी कैसे करने के लिए तैयार हो मेरे को उम्र नहीं पता है लड़की तुम नहीं देखा था आके सीधे शादी करने लगा ऐसे बैठे ऐसे सामने लाए बोले कि ये लड़की है क्या नाम है मेरा हाँ मुकेश कहाँ घर हुआ संजय में घर कहाँ है जयपुर जयपुर में कहाँ शाहपुरा ऐसा वैसा लिया था कि आप मेरा नाम मेरा नाम है जयपुर जिला है और जयपुर जिले के अंदर शाहपुरा तहसील मेरा गांव है तो मेरे गांव से 3 किलोमीटर पास में एक अशोक कुमार कुमाऊ उसका ये दोस्त
कौन दोस्त है जो पकड़ाया है? वो दोस्त है तो वो क्या बोला था तुमसे? तुम्हारे बच्चे की शादी करा लो फिर मेरे पहले हम जानते नहीं काम भी आ रहे थे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आई तो फिर इन्होंने अपनी गाड़ी के लिए खुद की उसके बावजूद ही हम तो हमारी खुद की गाड़ी लेके आए इसलिए कि कहीं अपने साथ में कोई फ्रॉड ना हो जाए अपने साथ में कोई फ्रॉड ना हो जाए इसलिए हमारी खुद की गाड़ी लाए हैं उनकी गाड़ी में नहीं आई है। पैसा भी कुछ लिया था ना कि शादी कराए तो पैसे की तो बात ऐसी रही तुम्हारे बच्चों की शादी कराने के ना तो जैसे हमारी जो गाड़ी जाएगी ना तुम्हारे लेके जाओ उससे तो कोई हमको मतलब नहीं है लेकिन हम जो गाड़ी लेके जाएंगे ना उसका तुम्हारे को किराया भाड़ा देना पड़ेगा आने जाने का और हमारा खाने पीने का खर्चा पैसा का बात नहीं हुआ नहीं खर्चा पानी वो भी तुम्हें पैसा मांगा होगा शादी कराने के एवज में बता दें करीब 1 लाख के आसपास खर्चा आ जाता है 1 लाख के आसपास 1 लाख देना है पैसा दे दिए हो? हाँ कितना दिए हो? दो बच्चों के दो लाख 2 लाख दे दिए हो दो बच्चे का तो एक बच्चे का शादी करा दिया है वो कहाँ कराया? यहाँ का तो जानकार नहीं मिला मतलब सिवान में ही कब हुआ वो शादी? परसों कराया और ये दूसरा आज करा रहा था 2 लाख रुपया तुम दे चुके हो उनको ये जो आज करा रहा था ना उसके लिए मैंने कहा बोले वो तो 18 साल और उससे ऊपर होगी 4-5 महीने की वो कहने यार इतनी छोटी बच्ची लेने नहीं आई तो बोले यहाँ इधर 18 साल होने के बाद भी शादी करते हैं तो नहीं दे हमें कोई रिश्ते में कोई परेशानी हो जाएगी हम ऐसा काम नहीं करेंगे चाहे तुम हमको दिलाओ या बंद दिलाओ हम हमारी गाड़ी लेके आए चले जाएंगे। अरे पैसा 2 लाख रुपए दिए थे आप शादी कराने के लिए करने के लिए शादी 2 लाख दिए थे दूसरा लड़का कौन है तू कहाँ चला लड़का कहाँ का है कौन है वो लड़का आप ही के बच्चे हैं दोनों बच्चे का शादी कर रहे थे लड़की को ले जाएगा क्या करते हैं उस लड़की का शादी कहाँ पे हुआ है क्या नाम है उसका उस लड़के क्या नाम है आपका कौन लड़का जिसका शादी हुआ उसका क्या नाम है तो चला गया नहीं यही कहाँ है वो अब हम तो इधर लेके आ गए हम तो तितर भी तो इधर आ गए वो अभी बाहर ही है भाग गया है नहीं ये जो जिस लड़की से आज जो शादी हो रही थी कितनी उम्र है इसकी आपको पता है इसके लिए तो मैंने किया था कितनी हाँ आज कितनी थी उसकी जिससे हुआ है आपके पहला लड़के का उसकी 24 उसका भी कम था 24 और आज जो हो रही थी इसकी उम्र लड़की की तो मुझे 18 साल की होगी आधार नहीं ऐसा काम नहीं करें बोले बेटो मारे।